सो हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है जामिया आईएएस फ्री कोचिंग। जी हाँ, जामिया के द्वारा जो आईएएस यूपीएससी एस्पिरेंट्स को जो फ्री कोचिंग दी जाती है, आज मैं आपको इस वीडियो में इसके बारे में पूरी चीज़ें डिटेल से बताने वाला हूँ। तो आप लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आरसीए का इंट्रोडक्शन हम लेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या रहता है और फीस कितनी पे करनी पड़ती है, फीस क्या रहती है, आज हम इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। वैसे तो जामिया ने हमदर्द स्टडी सर्कल बनाया है, लेकिन आरसीए का भी एक अलग योगदान है। आरसीए का मीनिंग है रेजिडेंशियल कोचिंग अकेडमी, और मैं आपको बता दूं कि आरसीए ने अब तक 250 से ज़्यादा सिविल सर्वेंट प्रोड्यूस कर दिए हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो सभी माइनॉरिटीज़, एससी एसटी एंड वुमेंस, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। माइनॉरिटीज़ में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी आ जाते हैं, सभी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह कोचिंग दूसरे कोचिंग सेंटर से थोड़ा अलग है। यहाँ पे आपको पूरी कोचिंग मुफ्त में कराई जाती है और आपको यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है। हॉस्टल फैसिलिटी यहाँ पे बिल्कुल फ्री है आपके लिए, लेकिन आपको जो फूड है, जो आपका मेस चार्ज लगेगा, वो यहाँ पर 3,000 रुपये पर मंथ रहने वाला है। इसके अतिरिक्त तो आपको यहाँ पे और कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस पे नहीं करना है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसकी कोचिंग स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पे आपको गेस्ट लेक्चर, लाइब्रेरी फैसिलिटी, टेस्ट सीरीज, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस, यहाँ पे आपको सभी तरह की सुविधाएं मिल जाती हैं। लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपको यहाँ पे अच्छे से मिलेगी, टेस्ट सीरीज आपको मॉक टेस्ट लगाने का मौका मिलेगा, और ऐसे की जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है वह यहाँ पे अच्छे से करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट्स यहाँ पे मेंस क्लियर कर लेते हैं, उनको इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपेयर करवाया जाता है। तो चलिए अब हम इसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जान लेते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या रहता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सा सेंटर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप कहाँ पे जाके एग्ज़ाम दे सकते हो। दिल्ली, श्रीनगर, लखनऊ, बेंगलोर, गुवाहाटी, केरला, ये सभी एग्ज़ाम सेंटर्स रखे गए हैं। आपके शहर के जो भी नज़दीक ये एग्ज़ाम सेंटर लगे, आप वहाँ पर जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे से समझ लेते हैं। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दो टेस्ट आपके होने वाले हैं, रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। टोटल आपके 150 मार्क्स का ये रहने वाला है, रिटन टेस्ट 120 नंबर और इंटरव्यू 30 नंबर का। और इसके साथ अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे रिटन में आपके दो पेपर होने वाले हैं, पहला ऑब्जेक्टिव और दूसरा ऐसे राइटिंग। ऑब्जेक्टिव आपका पूरा 1 घंटे का रहने वाला है और जो ऐसे राइटिंग 2 घंटे का रहने वाला है। आपके पेपर की चेकिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर उसमें आपका स्कोर अच्छा है और आप पहले 1500 बच्चों में आते हैं तो ही आपका ऐसे राइटिंग वाला पेपर चेक किया जाएगा, अदरवाइज़ आपका ऐसे राइटिंग वाला पेपर चेक नहीं किया जाएगा। टोटल सीट्स यहाँ पे 280 हैं, जो कि 280 में से 10% रिजर्व कैटेगरी के लिए। और फ्रेंड्स, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पे www.jmi.ucanapply.com पर, यहाँ से आप इस कोचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।